हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और झांसी के बाद अब हम ओरछा की ओर जा रहे हैं। मैं तुमको बताऊंगी कि ओरछा जो कि परिहार राजाओं की राजधानी के बाद यहां पर चंदेल राजाओं ने भी शासन किया। और चंदेल शासकों के यहां पर बुंदेल राजाओं ने राज किया। जो आपको वर्तमान में ओरछा मैं दिखाने जा रही हूँ, वो उसका निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने सन 1501 में करवाया था। ओरछा में मुख्य रूप से बेतवा नदी और श्री राम राजा का मंदिर है। ओरछा आने के लिए झांसी से हर वक्त गाड़ियाँ अवेलेबल रहती है। ख़ास तौर से बसेस बहुत ही मात्रा में चलती है। झांसी जो कि यूपी में पड़ता है और ओरछा जो कि एमपी में पड़ता है, इस वजह से नगर वाली जो बसें हैं एसी बसेस, वो एक बॉर्डर छोर कहिए वहाँ पर छोड़ देती है। उसके बाद से ऑटो यहाँ से लेना होता है। अगर आप लोकल बसेस जो कि बिना एसी वाली होते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ तक छोड़ जाता है। हम यहाँ पर आ गए हैं बेतवा रिसोर्ट, जो कि एमपी टूरिज्म का ये होटल है। और ये बेतवा नदी के बिल्कुल ठीक सामने स्थित है। प्रणाम। अच्छा, तुम्हारे लिए है। राम राजा मंदिर जा रहे रात में। वॉकिंग श्री राम राजा सरकार का महत्व आपको दिखाई देता है। यहाँ लोग भगवान राम को अपना राजा मानते हैं। यहाँ पर राम हर धर्म के राजा हैं। दूर दूर से लोग इस स्थल पर राम राजा के दर्शन करने आते हैं। ये है प्रवेश द्वार राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर में जाने के लिए। आइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। इस मंदिर का इतिहास शुरू होता है मधुकर शाह जी के कार्यकाल से, जो कि यहाँ के महाराजा थे और कृष्ण भक्त थे। और महारानी जो कि ग्वालियर जिले से थी, वो एक राम भक्त थी। और मंदिर में जूता चप्पल रखने का स्थान। महारानी का नाम कुंवर गणेश था। एक दिन मधुकर शाह और कुंवर गणेश बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में दोनों अपने अपने इष्ट देव को लेकर झगड़ा करने लगे। और महाराजा मधुकर शाह ने महारानी से बोल दिया कि यदि वो एक सच्ची राम भक्त है तो जाए अयोध्या और राम जी को यहाँ ओरछा ले आए। अब महारानी जी ने यह बात मान ली और बोली कि या तो अब मैं अपने इष्ट प्रभु राम को अयोध्या से ओरछा लाऊंगी या फिर अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। अब क्या था, महारानी कुंवर गणेश आ गई अयोध्या और सरयू नदी के किनारे शुरू कर दिया प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा अर्चना। 7 दिन हो चुके थे, कहीं कहीं पर 21 दिन भी बता दिया जाता है। महारानी जी को श्री राम ने दर्शन नहीं दिए। अब महारानी जी की हताश हो गई और अपने प्राण त्यागने का निर्णय ले लेती हैं और सरयू में छलांग लगा देती हैं। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक बालक के रूप में वहां आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरयू में जब महारानी ने छलांग लगाई तो जलाधर में ही भगवान राम महारानी की गोद में आ बैठे। अब महारानी बालक
रूप में आए श्री राम से ओरछा चलने का निवेदन करती हैं। श्री राम मान भी जाते हैं, परंतु ओरछा जाने से पहले उन्होंने महारानी के समक्ष 3 शर्तें रखे, और जिनमें था पहला शर्त, जहां हम जा रहे हैं वहां के सिर्फ हम ही राजा होंगे, कोई दूसरा नहीं, और दूसरी शर्त, अयोध्या से ओरछा तक आपके साथ हम पैदल जाएंगे, वो भी पुण्य नक्षत्र में, और तीसरी शर्त, यदि हम कहीं पर बैठ जाएं तो वहां से उठेंगे नहीं। महारानी कुंवर गणेश ने श्री राम की 3 शर्तें मान ली। फिर श्री राम एक मूर्ति के रूप में महारानी की गोद में बैठ गए और महारानी पैदल ही ओरछा की तरफ चल दी, और 8 महीने 28 दिन में वो ओरछा आ गई। कहा जाता है, महारानी के ओरछा पहुंचने से पहले महाराजा मधुकर शाह को सपना आया था कि महारानी भगवान राम को लेकर के आ रही हैं, तो मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। लेकिन यह चतुर्भुज मंदिर पूर्णतया बन पाता उससे पहले ही महारानी कुंवर गणेश श्री राम जी को लेकर ओरछा आ गई और श्री राम को अपने महल की रसोई घर में थोड़ी समय के लिए स्थापित कर दिया। फिर जब चतुर्भुज मंदिर बन गया, तब उस मूर्ति को रसोई घर में उठाकर इस चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन श्री राम की वह मूर्ति वहां से उठी ही नहीं। इसी को ही सभी ने भगवान राम का चमत्कार माना और उसी महल को मंदिर बना दिया। जो भी आप देख रहे हैं, यह पहले रसोई हुआ करता था, परंतु भगवान की शर्त थी कि वो जहां बैठ जाएंगे वो वहीं से उठेंगे नहीं और वहीं वो विराजमान हो जाएंगे। और यहां पर बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता है। ये देखिए, ऐसे अचार हर एक टेबल पे रखा हुआ है, इस तरीके से नींबू मिर्च की। और मंदिर परिसर में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित किया गया है। और गाइस, रात्रि में दर्शन के बाद हम अब सुबह में भी आ गए हैं दर्शन करने के लिए। रात में चतुर्भुज मंदिर है वो बंद हो चुका था, शाम में ही 5 बजे वो बंद हो जाता है। श्री राम राजा का मंदिर है सुबह 8 से और 1:30-2 बजे तक, दोपहर तक ये खुला रहता है, और उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है। रात में 8 बजे फिर से ये खुलता है और लगभग 11:30 में ये बंद होता है। इस रसोई घर में या महल में बैठे राम राजा ओरछा के राजा हैं। रात्रि में भी दर्शन किए थे और अब दिन में भी आए। यहाँ पुलिस द्वारा से राजा राम को सलामी दिया जाता है। ओरछा का इतिहास बगैर श्री राम राजा सरकार के अधूरा माना जाता है, और कहा जाता है कि दिन में ओरछा में रहते हैं श्री रामचंद्र जी, और शाम होते ही वो अयोध्या चले जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर में, जिसमें अब विष्णु भगवान कृष्ण भगवान स्थापित हैं। इसके पहले ये राम राजा के लिए ही बना था। और मैं आपको बता दूँ इस मंदिर के बारे में कि ये जो मंदिर का द्वार है, मुख है, वो बिल्कुल किला के सामने है, और किले में जो रानी का जो कक्ष है वो उनके कक्ष से बिल्कुल सामने यह मंदिर दिखाई देता है, क्योंकि महारानी का कहना था कि मैं आँख खोलूँ तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र ही दिखाई दें। तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी कि किले का जो द्वार है, मुख है, ऊपर में जो उनका कक्ष हुआ करता था, उसके बिल्कुल सामने ही ये मंदिर का भी मुख है। इससे क्या है, प्रभु जी हमेशा सामने दिखाई देते हैं। उसे देख रहे हैं कि किला दिखाई दे रहा है, और उसी किले के अंदर है राजमहल, और वहीं है रानी का कक्ष, और उसी के सीध में बिल्कुल भगवान है का ये मंदिर बना हुआ है और भगवान स्थापित है। और हम लोग जब किले में जाएंगे तो वहां से भी मैं आपको दिखा दूंगी कि ये मंदिर बिल्कुल ठीक सामने दिखाई देता है। था पूरा इतिहास इस मंदिर का। और यहाँ की एक और बात है जो कही जाती है, आपको मैं दिखाऊंगी, 2 टावर दिखाई देगा जो कि ईंट का बना हुआ है, बहुत पुराना है।
जिसे कहा जाता है सावन भादो पिलर। तो ओरछा का इतिहास सावन भादो मीनार श्रीराम राजा सरकार मंदिर के समीप ही बने हुए हैं, ये जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है सामने। तो सावन महीने के ख़त्म के बाद और भादो का महीना शुरू होने से पहले यह दोनों मीनारें आपस में मिल जाती हैं और इन मीनारों से नीचे सुरंग बनी है जहां से राज परिवार के लोग आया जाया करते थे। फिलहाल अब ये सुरंगें बंद कर दी गई है। अब मैं जा रही हूँ राम राजा मंदिर में पूजा करने के लिए। ये छोटे वाले से आए मंदिर बंद हो गए। दर्शन हो गया है, हम निकल गए। Gracias.